बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉन्सेप्ट जो क्वेटा बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए, सोसाइटी के लिए, एक उस मोहल्ले के लिए एक कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था, जिसमें हम ये महसूस कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक शहर में एक आम शहरी को, एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा शख्स जो शायद बहुत खुद कफील नहीं है, उसके पास सहूलत नहीं है, या वो मोहल्ला जो सोसाइटी का वो ऐसा नहीं है जहाँ दो दो चार चार पाँच पाँच हज़ार गज़ पे बंगलात हों, वो एक आम रूटीन में अपनी ज़िंदगी को किस तरह एक अच्छी सूरत में देख सकते हैं। तो क्वेटा में बहुत सारे हमने एरियाज़ आइडेंटिफाई किए, वो ज़मीनें जो कचरादान बन गए थे या जो काबिज़ हो गए थे, और एक कॉन्सेप्ट था कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। फिर एक इनिशिएटिव लिया हमने कि इसमें हम पब्लिक को फैसिलिटीज़ में, फुटसॉल एक नई चीज़ थी, ग्राउंड, जिमनेजियम, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट और बहुत सारे जो हमारे दूसरे कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें जिमनेजियम्स, स्क्वाश कोर्ट्स और यहाँ तक कि क्रिकेट के प्रैक्टिस पिचेस भी हमने इंट्रोड्यूस कराए। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस तकरीबन दो साल के अंदर हमने जो ये पूरा स्टेप इस गवर्नमेंट ने शुरू किया था, सारे कोलिशन के हम पार्टनर सब मिल के, ये तोहफे हैं जो हम इस शहर में उन बच्चों को दे रहे हैं जो आपके पीछे खेल रहे हैं। और उन बच्चों को अगर आप देखें तो आपको ऐसा महसूस होगा कि इनके पास इतनी फाइनेंशियल पोजीशन भी नहीं है कि एक अच्छा जूता ख़रीद सकें या अपनी किट भी सही कर सकें, लेकिन आज एक ऐसी फैसिलिटी के अंदर ये सॉकर या जिमनेजियम या माहौल में खेलेंगे जो मैं कम से कम कह सकता हूँ शायद कराची में भी ना हो या किसी अच्छे शहर में भी नहीं होगा। और न सिर्फ ये दिन की फैसिलिटी है बल्कि हमने इनके लिए फ्लड लाइटिंग के हवाले से पावर जनरेशन का बंदोबस्त भी किया है, जनरेटर भी इनको दिए हैं, कंटेनर्स में इनको व्यूइंग भी दिया है, ये पूरा एक सेटअप बना के दिया। बल्कि आम शहरी यहाँ उनके लिए एक वॉकिंग ट्रैक भी बनाया गया है, और जिस तरह दूसरे भी आप कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे हर कॉम्प्लेक्स के अंदर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई है। और उसका मेकैनिज़म ऐसा होगा कि कम अज़ कम पूरे क्वेटा में, इंशाल्लाह नहीं बल्कि पूरे बलूचिस्तान में तकरीबन 65 से ज़्यादा फुटसॉल बन रहे हैं, क्वेटा के अंदर तकरीबन 8 से 10 यहाँ बन रहे हैं, तकरीबन 6 बड़े किस्म के कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। ये वो सोसाइटी के लिए, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए जिसमें लोग वॉक करें, पार्क में आएँ, शाम को आके बैठें, जिम इस्तेमाल करें, लाइब्रेरी की फैसिलिटी इस्तेमाल करें, फुटसॉल की फैसिलिटी शाम को भी इस्तेमाल करें और रात को फ्लडिंग में भी इस्तेमाल करें। सो ये वो चीज़ें हैं कि एक आम शहरी को अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है जो दुनिया के किसी भी अच्छे माशरे में रहते हैं, बल्कि बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये चीज़ें कभी देखी नहीं गई। हमने लोगों को शायद ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ दिया, एक छोटा सा पार्क दे दिया जिसको कभी मेंटेन नहीं किया, बाकी लोगों ने अपनी आम ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ या अपने बच्चों के साथ या ख़ुद एज इंडिविजुअल हमारे जो यूथ है या तो सड़कों पे गुजारती है या किसी खाकी मैदान में गुजारते हैं या किसी सड़क पे गेम खेलते हैं। लेकिन हमने इंशाल्लाह पहला साल ये इसको किया है, हर साल इसी फैसिलिटी को इंशाल्लाह अपग्रेड करेंगे और नई नई चीज़ इनमें लाएँगे ताकि हर कम अज़ कम क्वेटा के अंदर ये 10 से 15 ऐसे छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेज हों जो उस पूरी कम्यूनिटी को हर किस्म की एक फैसिलिटी दें, एक अच्छा माहौल दें, एक अच्छी तरतीब उनके लिए दें ताकि वो भी ये महसूस करें कि इस आने वाले दौर में उनके लिए भी एक रिफ़्रेशमेंट के हवाले से, एक इन्वायरमेंट को तब्दील होने के हवाले से कोई ऐसी फैसिलिटी है जहां वो शाम को या दोपहर या रात को भी जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमने रोडों का एक नेटवर्क क्वेटा के लिए अंदर स्टार्ट किया है, हमने खेलों का एक नेटवर्क स्टार्ट किया है, सोशल एनवायरनमेंट को बेहतर करने का एक नेटवर्क हमने काम स्टार्ट किया है, हेल्थ केयर में नए नए हॉस्पिटल्स क्वेटा में, कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से हो, बाकी क्वेटा की ब्यूटिफिकेशन हो, क्वेटा का मेजर पानी का मसला हो, क्वेटा के अंदर बाकी चीज़ें हों, हम समझते हैं कि इस शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हुकूमत की है और इंशाल्लाह ये हुकूमत इंशाल्लाह अपने 3 साल मज़ीद आगे जैसे पूरी करेगी। हम ये चीज़ें क्वेटा के लिए हमारा कोई एहसान नहीं है, यहाँ के शहर के लिए और पूरे बलूचिस्तान के लिए हमारा कोई एहसान नहीं है जिसको हम बार बार जताएं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है और ये शहर हमेशा निगलेक्ट रहा है और इंशाल्लाह ताला हम इस निगलेक्शन को और ये जो इसकी पसमानदगी रही है अपने लिहाज से पूरी कोशिश करते हुए इन सारी चीज़ों को दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इन 5 सालों में शहर क्वेटा के लोगों को एक अच्छा माहौल और एक अच्छा शहर बना के दें। देखिए ट्रैफिक के 3 प्लान्स हैं जो हम कर रहे हैं। एक तो हम क्वेटा के अंदर रोड कनेक्टिविटी का एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं
कि अगर आप सरयाब रोड देखें तो ये पूरा सरयाब रोड आपका होता हुआ, सब्जा रोड में बहुत थोड़ी सी गुंजाइश है, बाकी सारा आपका जरगून रोड या इसकी तरफ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं वेस्टर्न बाईपास के साथ, हम बादिनी लिंक रोड की कनेक्टिविटी दे रहे हैं, हम रेडियो पाकिस्तान की कनेक्टिविटी दे रहे हैं, हम सरयाब की ड्यूलाइजेशन कर रहे हैं, हम सब्जल रोड की ड्यूलाइजेशन करके एयरपोर्ट तक ले जा रहे हैं, और इसी तरह सिरकी रोड और बाकी रोड। एक तो स्टेप ये है जिसमें आप ट्रैफिक को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हर इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सरयाब के आखिर तक या जरगून तक पहुँचे, बल्कि अगर उसको एयरपोर्ट जाना है तो ये बाईपासिस को भी इस्तेमाल कर सकेगा। दूसरी चीज़ है, हमने एक स्ट्रैटेजी में तकरीबन 3 डेडिकेटेड या अंडर बाईपास बनाएंगे, या डेडिकेटेड यू टर्न्स का प्लान कर रहे हैं, या फ्लाईओवर्स का कर रहे हैं जो क्वेटा के, और एक डेडिकेटेड हबीब नाले के ऊपर से हम एक एक्सप्रेसवे का भी प्लान इनिशियल स्टेज पे है जिसको हम थोड़ा सा फाइनलाइज कर रहे हैं, ताकि यहाँ का पूरा क्राउड किसी बेहतर अंदाज से क्वेटा की वेस्ट की तरफ जा सके। तीसरे नंबर पे है कि जो आप एक ट्रैफिक मैकेनिज्म से चीज़ों को बेहतर करेंगे। देखिए, ट्रैफिक के निज़ाम भी उस वक्त इम्प्लीमेंट हो सकेगा जब कोई वे आउट भी शहर के अंदर हो, लेकिन अगर आपके पास ना रोड है, ना एक्सेस है, तंग गलियां हैं, रोड हर तरफ से बंद है, पूरे शहर ने सिर्फ एक या दो रोडों से गुजरना है, तो आप दुनिया का बेस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग का भी प्लान लिया है तो वो भी फेल जाता है। तो इस कंजेशन को हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर इसकी बैलेंस के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको थोड़ा फॉर्मलाइज करने के लिए फिर वो तरतीबें भी हैं जिनसे हम ट्रैफिक को थोड़ा और बेहतर कर सकेंगे। सर, अभी यहाँ पे इलाके वाले से मुलाकात हुई तो ये कह रहे थे कि ये जो कॉलेज यहाँ बना है, लाइब्रेरी भी है, तो ये बेसिकली इस ग्राउंड की जमीन है, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड होना था तो ये बन गई, अब क्रिकेट के लिए क्या करें? देखिए, मुझे लगता है ये शायद गर्ल्स कॉलेज है, मुझे नहीं पता था कि उनके या क्रिकेट ग्राउंड है नहीं है, बल्कि ये फैसिलिटी के हम कुछ टाइमिंग्स भी लग रहे हैं। ये तकरीबन 6-7 ऐसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं जहां हम डेडिकेटेड हो सकता है 2 दिन का टाइम ऐसे फैमिलीज़ के लिए देंगे जो सिर्फ फैमिलीज़ उसको इस्तेमाल करें, बल्कि इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह आप हमारे साथ जहाँ चलेंगे वो फुटसॉल और वो फैसिलिटी सिर्फ ख़वातीन के लिए डेडिकेटेड है। तो इसको हम ऐसा रख रहे हैं कि 5 दिन में हजरात या बाकी जितने भी लोग हैं वो आके इसको इस्तेमाल करें, और 2 दिन हम इसको फोकस रखेंगे ताकि उस फैसिलिटी को अगर फैमिलीज़ या ख़वातीन सिर्फ इस्तेमाल करें। अभी भी दिन के टाइम पे अगर ये फैसिलिटी इस्तेमाल नहीं होती तो वो मेरे ख्याल आके इस फैसिलिटी को यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई कबात नहीं है, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जी, हर लिहाज से देखें EPI प्रोग्राम जो है हमारा, इसका एक बड़ा दारोमदार है बहुत सारे ऐसी वबाओं की तरफ जिनका हमें प्रिकॉशनी मेथड्स को मद्देनज़र रखते हुए पहले से करना चाहिए, और इनमें गवर्नमेंट ने हमेशा से अपना भरपूर अंदाज में एक कैंपेन भी चलाई है और मोटिवेशन भी दी है। कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें थोड़ी अफेक्ट हुई थी, लेकिन आस्ते आस्ते चीज़ें जिस तरह नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही हैं तो इन प्रोसेसेस को और इन प्रोग्राम्स को उसी अंदाज से जिस तरह पहले भी चलती थी और बेहतर अंदाज में आगे ले जाया जाएगा। थैंक